हाँ, जो 500-700 करोड़ की जो प्रजा है मनुष्यों की इस दुनिया में है, हाँ, उनका पिता, प्रजापिता बोला, प्रजापिता की बात है कि पहले पहले कोई तो समझता होगा ना, तो पहले पहले वो प्रजा का जो पिता है वो समझता है कि हम कैसे कैसे 84 जन्म भोगे, जो फिर हूबहू जैसे कल पूर्व में पिछली चतुर्युगी में हमने वो 84 जन्म भोगे थे, वैसे ही वैसे हमको भोगना पड़ेगा। तुलसीदास ने भी लिखा ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या तुलसीदास की बुद्धि भी यही था ना, राम की आत्मा त्रेता भी हुई तो क्या समझते, हमारे राम भगवान जो है, तुलसीदास ने कहा कि वो हर कल्प में त्रेता युग में राम वाली आत्मा हाँ आती है, बोला कि नहीं बोला। हाँ, तो 84 जन्म का चक्कर भोगना माने क्या है? उसका अर्थ क्या है? माना 84 के चक्र में हमने क्या सुख दुख का पार्ट बजाया है वो बजाना पड़ेगा, सुख का ही कि दुख का भी। हाँ, सुख का भी पार्ट और दुख का भी पार्ट। तो देखो, ये चारों युगों की जो दुनिया है जिसे कल्प कहा जाता है ये खेल हुआ ना दुनिया, इसमें हम सुख दुख का पार्ट बजाते हैं। तो सुख और दुख का खेल कोई बड़ी बात नहीं है समझना। अरे खेल खेल में खेलना अच्छा होता है या खेल खेल में मुसीबत आती है? खेल खेल में तो हर बात सहज हो जाती है। देखो आजकल बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो किंडरगार्टन पर जितनी निकली स्कूल बनाए क्या, उनको ढेर सारी बच्चों के खेलने की चीजें इकट्ठी कर देते हैं और उनसे पढ़ाई पढ़ाते हैं और वो जल्दी जल्दी पढ़ाई पढ़ जाते ही नहीं। अभी तो देखो कंप्यूटर निकल पड़ा है, कंप्यूटर से छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई पढ़ने लगे कि नहीं। हाँ, तो ये भी खिलौना हो गया ना। तो देखो ये खेल खेल में समझना, खेल को कोई बड़ी बात नहीं। सतयुग में सुख और कलयुग में दुख। पहले हर चीज दुनिया की सतोप्रधान और बाद में हर चीज दुनिया की तामसी। पहले हर चीज सतोप्रधान है तो सुखदाई और तमोप्रधान है तो दुखदाई। तो सतयुग में होता है सुख क्योंकि पहला युग है नई सृष्टि का, और कलयुग है लास्ट का युग, और वो भी कलयुग के अंत में तो बहुत ही दुख हो जाता है। त्राहि त्राहि मचती है, हाय हाय मचती है, तो बहुत दुख हो जाता है। तो बताया कि ये दुनिया सुख और दुख का खेल है, तो वो तो जरूर गाया जाता है। क्या सुख दुख का खेल, सतयुग में सुख तो कलयुग में दुख। ये समझा जाता है कि नई दुनिया में बहुत सुख होगा। दुनिया की हर चीज पहले सुखदाई बाद में दुखदाई, पहले सतो प्रधान बाद में तमो प्रधान। कोई चीज ऐसी हो जो पहले सुखदाई ना हो सतो प्रधान ना हो, पहले ही दुखदाई हो और बाद में सुखदाई बने, दुनिया की ऐसी कोई चीज है? ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आती।